mm <clears throat> तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस एस .E. अड्डा पे और मैं अमित सिंह फैकल्टी ऑफ साइंस आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं शाम के ठीक नौ बजे और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से आज से आज पहला दिन था सोमवार का और आज से रोजाना आपकी जो क्लासेज हैं वो इस बड़े स्क्रीन पर होगी स्टूडियो पर होगी और आप सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ठीक नौ बजे आप लाइव हो जाए अपने सेशन के लिए only on SSC Adda, which is the official YouTube channel of Adda 24/7. तो so Adda 24/7 पे विज्ञान को अगर आपको सटीक तरीके से, बढ़िया तरीके से समझना है, understand करना है, उसके logic, उसके etiquettes को properly समझना है कि अगर science में हाइड्रोगारम के बारे में कुछ पूछा कभी कार्बोरेंडम के बारे में पूछा कभी जेनेटिक गन के बारे में पूछा कभी ओरिथोफिली के बारे में पूछा कभी एंजियोप्लास्टी के बारे में पूछ दिया कभी आर्टरी धमनी के बारे में पूछ दिया कभी कोई रासायनिक पदार्थ के बारे में बात दिया तो आपको पता होना चाहिए आप एस अड्डा के स्टूडेंट हो आप अड्डा ट्वेंटी के स्टूडेंट हो आपने विज्ञान पढ़ा है आपने कभी ना कभी साइंस पढ़ा है इस बात का प्रूफ आपको देना होगा और इसमें मदद करूंगा मैं आपका साइंस फैकल्टी अमित सिंह एस एस सी अड्डा डिफेंस अड्डा टीचर के हर एक चैनल से लेकर रात तक चैनल्स पे एसएससी अड्डा की टाइमिंग की बात करूं तो दिन में एक बजे मैं लाइव होता हूं और रात के नौ बजे अड्डा पे ये दो मेरे दिन में एक बजे और रात के नौ बजे तो कल से टाइमिंग याद रखना नौ बजे मतलब नौ बजे आई विल हिट माई शो एवरी डे एट नाइन ठीक है तो स्टार्ट करते हैं और आज आखिरी दिन है डबल वैलिडिटी का तो जो बच्चे चाहते हैं कि कंप्लीट साइंस सुनील का कहना था सुप्रिया मंटू बहुत बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका यह कहना था कि सर साइंस की कोई एक कंप्लीट बैच लाओ एक विज्ञान का जैसे ब्रह्मास्त्र आप पहले चलाते थे जिसमें कंप्लीट 24 फोर आवर्स में आपने बायोलॉजी पढ़ाई थी अट्ठारह घंटे में फिजिक्स पढ़ाया था अट्ठारह घंटे में केमिस्ट्री पढ़ाया था वैसा कुछ सर एक नया लेके आओ बेटा एग्जामिनेशन का समय आ गया है 28 दिनों बाद मतलब 20-25 दिनों बाद अब एग्जामिनेशन सेट करने वाले हैं आपके सीजीएल में मैं बस चाहता हूं कि अभी इन 20-25 दिनों में रोजाना आपको सम्स के सम्स के माध्यम से प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से इनफैक्ट हर सवाल के पूछने से पहले उस सवाल का कंटेंट क्या होगा इस तरीके से पढ़ाने का मैंने सोचा है जो कि बहुत आ, आ, मतलब आजकल में आपको देखने को भी मिलेगा कि अब सवाल पहले नहीं पूछा जाएगा अब उस सवाल के रेस्पेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी पहले वो मैं दूंगा और उसके बाद चलेगा क्वेश्चन पहले आपको पढ़ा दूंगा और साथ साथ आपसे सवाल पूछूंगा उससे आपको जवाब देना है और फिर आगे बढ़ेंगे तो चलिए जिन लोगों ने साइंस को कंप्लीट जिन लोगों ने पानी पिला दीजिए बस जिन लोगों ने साइंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है उनका नैतिक जिम्मेदारी यह बनता है कि वो आके अपने इस 77% परसेंट डिस्काउंट को जरूर ले लें कूपन कोड वाई डबल टू थ्री है जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट आप सबको मिल जाएगा जिन बच्चों ने मैक्सिमम डिस्काउंट लेनी है भाई कूपन कोड वाई डबल टू थ्री लगा लेना और कल से एनरोल हो जाओ कल से एनरोल हो जाओ ताकि मैं आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन दे पाऊं जिससे आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो ठीक है एस एस सी का महापैक आज डबल वैलिडिटी के साथ मिल जाएगी सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफर पे चलिए सवालों की तरफ डायरेक्ट मुड, रुख मोड़ते हैं छह बजे आपके अतुल सर आते हैं सात बजे आशुतोष सर आठ बजे रीजनिंग के सर आ ये आठ बजे हमारे मैथ्स अक्षय सर अभी पढ़ा रहे थे और ठीक नौ बजे आपके साथ मैं हाजिर हो चुका हूं एसएससी की भी जो लिस्ट है वो आप देख ही रहे हो एसएससी की ये कंप्लीट लिस्ट है जिसमें दिन में एक बजे मैं रूबरू होता हूं एस एस सी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के साथ चलिए तो भाई कहाँ से प्रिपरेशन करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऐप को ये सब बारे में तो आप जानते ही हो डायरेक्ट सवालों की तरफ रुख मोड़ते हैं भाई क्या है आज का पहला सवाल पहला सवाल ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत तत्व कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बी फास्ट रिचर्ड पाकर इज दिस सफिशियंट फॉर जे डबल बेटा इथ दिस इज नॉट सफिशियंट फॉर जे जे डब्ल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामेशन के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड विजिट मी ऑन अड्डा स्कूल चैनल जहां आई आई टी जे अड्डा आई टी जेई और नीट की तैयारी मैं करवाता हूं ठीक है ठीक है अर्शांक वीर सिंह बिल्कुल जेई एग्जामिनेशन के लिए यह नहीं है जेई एंट्रांस और नीट की अगर प्रिपेरेशन करनी है तो फॉर दैट यू हैव टू विजिट मी ऑन अड्डा नीट चैनल देर आई प्रिपेयर फॉर नीट एंड जे एग्जामिनेशन तो भैया पहला सवाल स्क्रीन पे बताइए इनमें से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना हेली ना की रब से फरियाद तो टॉप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एंड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ते तो क्या होता हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम तो लास्ट में कौन पड़ता इलेक्ट्रोनेगेटिव सही जवाब ऑप्शन नंबर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है भाई ऑफ द फॉलोइंग इज द दुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस सबसे Uh, कम मतलब सबसे कम कुचालक पुअरेस्ट कंडक्टर मतलब क्या कुचालक और सबसे कम कुचालक तो सुचालक हो जाएगा तो सबसे बुरा सुचालक ऊष्मा का कौन है तो सबसे बुरा मतलब सबसे कम जो कंडक्ट करता होगा आपको एबीसी ऑप्शन वहां दिख रहा होगा सिल्वर कॉपर लेड या मर्करी एबीसी और डी फास्ट क्वेश्चन नंबर टू जल्दी जल्दी सवालों का जवाब देना है जल्दी बताइए सवालों का जवाब जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब ए बी सी या डी सबसे कम सबसे कम मतलब सबसे बुरा सुचालक विद्युत का कौन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लेड लेड जो है लेड जो है, है प्लम्बम जिसे कहते हैं इसका लैटिन नेम क्या है प्लम्बम तो प्लमबम जो है वो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिटुमेन बिटुमेन के रिगार्डिंग कौन सा सब बयान गलत है इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट मतलब कौन सा बयान गलत है इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइली कंडेंस्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या है मिश्रण है कंडेंस्ड फ्रॉम मतलब संघनित अवस्था है

सारा एनालिसिस बिटोमिन केमिस्ट्री को करने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड भी घोल देगी और कंडेंस्ड एटोमेटिक इनमें से कौन सा सही नहीं है इनमें से यही सही नहीं है ना पहला सही था ना तीस, दूसरा सही था ना, सही था ना ये सही था ना ये सही था कहता है ऑल ऑफ द आर करेक्ट और आपको खोज के क्या निकालना था इनकरेक्ट कौन है तो इनमें से इनकरेक्ट क्या है ऑप्शन नंबर डी है बहुत आसान सा सवाल था थोड़ा घुमाने के लिए आपको दिया हुआ था आपको लग रहा था ए या बी होगा या तो बी होगा या तो ए होगा इतना बढ़िया नाम दिया हुआ सारा एनालिसिस इट इज नॉट फॉर बिटोमिन बट इट इज फॉर फिन अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर फोर क्या कहता है भाई विच द जनरल ट्रेंड फॉर एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप कहता है कि अगर एल्ली मेटल्स में मतलब हाइड्रोजन लिथियम हाइड्रोजन लिथियम हे ली ना नाकि सोडियम पोटेशियम ऐसे अगर आप नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में नीचे जाते हैं तो क्या होता है वो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है घट जाता है एक जैसा रहता है या इनमें से कोई भी बयान सही नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर बी फास्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्या होगा चौथे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा अटोमिक रेडियस अटोमिक रेडियस जब आप ग्रुप में ग्रुप क्या होता है ग्रुप ऊपर से नीचे होता है रो क्या होता है जब लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो ग्रुप की अगर बात करें तो इंक्रीज कर जाता है भाई सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम हेलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम फ्रांशियम जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे उसकी अटोमिक रेडियस बढ़ती जाएगी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर मुड़ते हैं वच अमॉन्ग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास ब्रास के घटक कौन कौन से हैं? मतलब किससे बना हुआ है जिंक से कॉपर से आयरन से जिंक से कॉपर से निकल से या आयरन और कॉपर से ए बी सी और डी धर्मेंद्र सुश्री संगीता परिदा वकील भगोदी मीनू सांगवान सूरज कौशिक नीरज मिश्रा आप सभी का स्वागत है और गाइज अब से रोजाना नौ बजे साइंस के तीस से चालीस सवालों में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए आई विल बी इन द स्टूडियो आपको बफरिंग की प्रॉब्लम होती थी साइंस के क्लासेस में आपको बफरिंग की प्रॉब्लम होती थी साइंस के क्लास में हो सकता है कि कभी आपको पावर कट की प्रॉब्लम दिख जाती थी बट अब वो नहीं होगा क्योंकि मैं आप स्टूडियो में हूं चलिए बताइएगा विच ऑफ द द फॉलोइंग आर ऑफ ब्रास और इसका सही जवाब इतना टाइम नहीं लेना है बच्चे जिंक और कॉपर सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं सॉल्यूशन एक्वस का मतलब होता है जलीय घोल सॉल्यूशन ऑफ विच इज विनेगर कहता है किसके जलीय घोल को हम सिरका कह सकते हैं वह ऑक्सैलिक एसिड है या वो साइट्रिक एसिड है या वो एसिटिक एसिड है या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ए बी सी और डी। सर प्लीज एक मैराथन ले लीजिए बेटा एक बंदे के कहने से तो मैराथन नहीं होना और ये संतानवे बच्चे मजा ही नहीं आ रहा मजा ही नहीं आ रहा खरीदा कोई नहीं टेंशन चंद्रशेखर चौधरी एवरीथिंग इज फाइन वाई आर यू टेकिंग सो लोड्स जल्दी बताइए भाई दाको सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही जवाब एसिटिक एसिड भाई कोई दिक्कत नहीं सिरका मतलब एसिटिक एसिड टार्टरिक एसिड बोले तो इमली में मैलिक एसिड बोले तो एप्पल में अगर आपसे क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट बोले तो ब्लू विट्रियॉल ग्रीन विट्रियॉल बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको रेड विट्रियॉल बोले तो क्रोमियम टू सल्फेट अगर आपसे Uh, क्रोमियम नहीं कोबाल्ट टू सल्फेट और अगर आपसे बोले ब्लू वगैरह व्हाइट विट्रियल तो जिंक सल्फेट फोर इंटू फाइव एस टू सब बात ध्यान रखना कॉमन क्वेश्चन से आते रहते अगला सवाल, rubber, जब हम को के साथ करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है सल्फोनेशन ये तो साबुन बनाने वाले तरीके हैं गैल्वनाइजेशन वाइड्रोडिस से हम रबड़ के अंदर से सल्फर की मात्रा को बाहर निकालते हैं जबकि सल्फर का इस्तेमाल करके सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करके हम

प्रमुख घटक हैं क्या वह नाइट्रोजन है क्या वह हाइड्रोजन है क्या वह हीलियम है या वह ऑक्सीजन है अम्लों का मुख्य कंपोनेंट क्या होगा ए बी सीओ डी बताइए विक्रम आनंद बिल्कुल यार एक एक समय ऐसा आना चाहिए कि सर मैराथन चाहिए सर मैराथन चाहिए जिस भी शो में जाओ सर कह दो कि सर साइंस की मैराथन चाहिए मैं आगे आगे अगले आने वाले संडे मैं कह रहा हूं कि आई विल बी आई एम रेडी फॉर मैराथन 24 घंटे की मैराथन कह रहे हो ना 24 घंटे के लिए तैयार हूं आपके सीरियल के लिए हर एक शो में अमित सर का मैराथन चाहिए अमित सर का मैराथन चाहिए हाहाकार मचा दो मैं कहता हूं पूरी कंटेंट पूरी कंटेंट साइंस का मैं आपको पढ़ाऊंगा चौबीस घंटे में टेंशन ना लीजिए जोश और जुनून आपके टीचर्स में भड़ा है

क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर क्विक सिल्वर किसे कहते हैं बेटा एक बार पहले भी बताया था कि क्विक सिल्वर में हॉर्न सिल्वर में जनरली नाम में सिल्वर लगा होता है लेकिन सिल्वर इनमें होता नहीं बताइए क्या होगा सही जवाब एल्यूमिनियम मरकरी लेड या फिर जिंक इनमें से कौन क्विक सिल्वर कहा जाता है डी सर प्लीज हेल्प उड़ान इंग्लिश बैच कैसे ज्वाइन करे बेटा उड़ान एट इंग्लिश बैच ज्वाइन करना है सीधे आप जाइए और सीधे हिट करिए सीधे जाके हिट करिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन में वाई डबल टू थ्री कूपन लगा के इंग्लिश की बैच और आपको मिल जाएगी जीएस की पावर कैप्सूल बैच आशुतोष सर की जितेंद्र सर की और जीएस सर की आपको मिल जाएगी साइंस की पावर पैक्ड मैराथन आपको मैं एकदम फ्री में देने वाला हूं लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ये दिखना चाहिए ठीक है भाई चलिएगा अगला सवाल क्या बताए क्वेश्चन नंबर नाइन का सही जवाब क्या होगा ए बी सी और डी इज इट जिंक इज इट अल्यूमिनियम इज इट मर्करी और इज इट लेड इज इट मर्करी और इज इट लेड क्वेश्चन नंबर टेन इन का सही जवाब क्या नाइन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी था मरकरी क्विक सिल्वर इज मरकरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टेन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल सबसे कम और सबसे उच्चतम क्वथनांक आवर्त सारणी में किसके पास है हीलियम और टंगस्टन हाइड्रोजन रेनियम हीलियम रेनियम या फिर हाइड्रोजन एंड टंगस्टन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल A B C or D. सर हिंदी में मरकरी को बुद्ध लिखा है बिल्कुल कंप्यूटर है ना यार जैसे हमने बता रखा है हमने कंप्यूटर को जो डेटा प्रोवाइड किया कि मरकरी का मतलब वो बुद्ध ग्रह तो उसने वो अडॉप्ट कर लिया फिर हमने मरकरी को लिखा पारा उसने वो भी अडेप्ट कर लिया लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस कंप्यूटर भी मानता है वैसे ही चलता है चलिए बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द लोएस्ट एंड हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताइए भाई गलनांक और क्वनाक की तो पूछ रहा है या क्वनांक पूछ रहा है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पूछा है यानी तो सबसे कम और सबसे ज्यादा ये नहीं बता पाओगे फिलामेंट में पूछ रहा टंगस्टन का पूछ रहा टंगस्टन का उल्टा जब अगर टंगस्टन को देखोगे तो टंगस्टन को क्या लिखते हो डब्लू डब्लू लिखते हो तो W किस लिए लिखते हो टंगस्टन को या टंगस्ट का लॉय है बताइए सर नहीं मिल रहा है सर दो आवर से ट्राई कर रहा हूं प्लीज हेल्प सर बेटा मैं एकदम आखिरी में शो के मैं आपको बता दूंगा टेंशन ना लो पहले जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर टेन का क्या होगा सही जवाब बेटा टेन का जवाब सही जितने लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया हाहा कार है थूतू है भैया रेनियम का हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और हीलियम का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है सही जवाब इज ऑप्शन नंबर सी बहुत ही आसान से सवाल है करते जाएं, दस सवाल नहीं लगे, अगले बीस में फाड़ देंगे अगला सवाल, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ़ सुना प्यारे बच्चों नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया भी के ओल्ड स्टाइल से टीपो फिर कल बाहर आई आंटी हेलमेट नहीं आगर कर जीरो पे रन आउट कैसे नहीं याद होता यार बैंगन आलू गाजर इन थैला बैंगन आलू गाजर इन थैला बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम टेंटलम फिर कौन सी गीत सुनाऊ प्यारे बच्चों यानी कार्बन सेलेनियम जर्मेनियम स्टैनस प्लम्बम फिर ओल्ड स्टाइल सेट बीसी नोफने ना एन आएगा पहले तो भैया इसको पहले मिटाओ किसको लाओ नाइट्रोजन को लाओ नाइट्रोजन कहां गया भैया नाइट्रोजन आओ सामने ये नाइट्रोजन आया नाइट्रोजन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मत एंटीमनी एंटीमनी और बिस्मत फिर बीसी नॉफ ने ओल्ड स्टाइल से टीपो टी आई टीपो टीई पीओ तो दैट इज ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम याद तो करिए कोशिश तो करिए मेरे साथ सीखिए नौ से दस के शो में सीखिए एक से दो के शो में सीखिए पेड़ में आके सीखिए लेकिन सीखिए उसके बाद फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन और एस्टाटाइन आयोडीन एस्टाटाइन ये क्या है, है फैमिली ये क्या है ऑक्सीजन फैमिली निकोजन फैमिली या फैमिलीजन फैमिली भी कहा जाता है इसके बाद लास्ट में क्या आएगा हेलमेट नहीं तो जीरो पे आउट हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन

करेक्ट अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में सही क्या लिखा है इट इज अ ब्लू लिक्विड यह एक नीला द्रव्य है इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टू एट सेवन जीरो कैलविन दिख रहा है ये पसीना तो ये बेटा आप सबके लिए बह रहा है और रोजाना बहेगा लेकिन आपको इसमें अव्वल ला के दिखाना है जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पूछो लेकिन आपकी लड़ियां और झड़ियां नहीं रुकनी चाहिए कमेंट्स में चलिए बताइए क्या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में क्या सही लिखा हुआ है इट इज अ ब्लू लिक्विड नीला द्रव्य है इसका दो हजार आठ है बोथ एंड बी आर करेक्ट या यान ऑफ द इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सही जवाब क्या है दोनों सही है ये भी गलत है लेकिन हा इसका क्वनाक अठाईसो सत्तर होता है ये बिल्कुल सही है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड का जो क्वनाक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ऊपर है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ चलते हैं वॉट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फॉर टू बी एक्टिव इंटर इंटरअटोमिक मतलब एक एक एटम है एक ये एटम है दोनों परमाणुओं के बीच किसी सक्रियता या किसी भी तरीके के फंक्शन के होने के लिए जब मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज कितना द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन टू एटम्स

क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जवाब आ रहा है ए जो कि गलत है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सही जवाब होगा फोर्सेस को काम करने के लिए इंटरअटमिक फोर्सेस को काम करने के लिए एंगस्ट्रॉम की दूरी चाहिए होती है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट इज यंग्स मॉड्यूलस भैया यंग्स मॉड्यूलस फॉरन फॉर अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेस एक्टेड अपॉन दैट बॉडी the ratio young's modulus for a solid is the ratio of the stress applied over a body and the strain uh, uh, um.

स्ट्रेन का तो लोंगिट्यूडनल स्ट्रेन टू स्ट्रेस नहीं स्ट्रेस टू लोंगिट्यूडनल स्ट्रेन या लैटरल स्ट्रेन तो बेटा ये लोंगिट्यूडनल ही होगा तो ए भी खत्म अब बच्चा सी और डी देखो 50 50 कर दिया है तो मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया है सी और मैं भी मान लूंगा कि हाँ भैया आपने भी दिया है सी जवाब क्योंकि यंग्स मॉडुलस y fdl/y एल फोर्स इंटू चेंज इन इन चेंज लेंथ लेंथ एल अगला सवाल क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाई विच बॉडी टेंस टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कंफिगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स कहता ये है कहता क्या है कहता तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा हां ये देखो ये एक ये पार्टिकल है दिख रहा है ये पार्टिकल है दिख रहा है हाँ ये पार्टिकल है अब मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूं मोड़ रहा हूं मोड़ रहा हूं मोड़ रहा हूं तो कहता है कि ये कौन सा फोर्स है ये कौन सा फोर्स है जिसको छोड़ते ही डिफॉर्मिंग फोर्स वापस उसको ओरिजिनल पोजिशन में लेके आ रहा है देखो धीरे धीरे वो सीधा होने की कोशिश कर रहा है लेकिन पहले क्या था बहुत ज्यादा मुड़ा था तो कहता है वो कौन सा फोर्स है पदार्थ का वो कौन सा गुण है जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने में मदद करती है इज इट प्लास्टिसिटी डक्टाइलिटी, इलास्टिसिटी या मैलिएबिलिटी बेटा मैलिएबल का मतलब होता है जब चादरों में ढाल दें डक्टाइल का मतलब होता है जब तारों में ढाल दें और प्लास्टिसिटी uh, का मतलब होता है कि अब टूटने नहीं देगा ये अब uh, लोच नहीं लेने देगा थोड़ा सा भी डिफॉर्म करोगे तो टूट जाएगा और लचीला मींस कितना भी करो तो वो लच, लचीला है दैट मींस इंप्रेस्ड फोर्स और रिट्रैक्टेड फोर्स हैज नो वैल्यू मतलब कितना भी ऊपर लेके जाओ और कितना भी नीचे लेके जाओ आफ्टर अ कलिजन वापस से फिर उतना ही डिफॉर्मेशन

रोडेंट्स में रोडेंट्स मतलब किसे कहते हैं चूहों को चूहे होते हैं रोडेंट्स उनकी अग्र प्रीमोलर्स नहीं होती उसके बाद प्राइमेट्स प्राइमेट्स हम हैं जो घरों में रहते हैं बैट्स यानी फॉलोइंग इज अ करेक्ट ग्रुप टू प्लेस इन इज इट रोडेंट्स प्राइमेट्स बैट्स और स्लॉथ्स ए बी सी और डी बताइए सी और डी तड़ा तड़ बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन भैया सिक्सटीन का सही जवाब प्राइमेट्स जब मैंने बोल दिया कि बंदरों के प्रजाति में तो क्या चिंपांजीज नहीं है गोरिला नहीं है और रैंगूटन्स नहीं है एप्स नहीं है उनके ही हम फोर फादर आ, ये आ, एंसेस्टर्स नहीं प्रिडिसेसर्स नहीं है सक्सेसर्स नहीं है है ना जो प्रिडिसेसर्स कौन होते हैं जो हमसे पहले थे सक्सेसर्स कौन है जो हमारे बाद थे तो हम अपने पिताजी दादाजी के ही तो संतान हैं तो हमारे दादाजी पिताजी कहीं मंकी के ही तो प्रजातियों में से थे तो इतना क्यों बुरा मान रहे हो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लगा दो ना अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवनटीन भैया एक बात बताओ आजकल बड़े ही करंट अफेयर्स का जलवा चल रहा है हर जगह करंट अफेयर्स क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा भी जा रहा है क्या आप ये चाहते हो कि साइंस की जो करंट अफेयर्स है मतलब करंट अफेयर्स रिलेटेड टू साइंस पिछले मतलब इस 2021 का पिछले 6 महीने का मैं करवा दूं या फिर इस वीक का करके एक-एक वीक एक का करके क्या मैं करवा दूं क्या आप चाहते हैं तो बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इफ यू ऑल वांट कि मैं आपकी साइंस की करंट अफेयर्स मतलब दोज करंट अफेयर्स विच इज इज़ रिलेटेड डायरेक्टली टू साइंस वो मैं अगर आपको करवा दू बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मस्त तो हो जाएगा बताइए तैयार हो तो उसके लिए भी एक शो प्रिपेयर करता हूं एवरी संडे और हमारे साथ आ चुके हैं आशुतोष सर और आज हमारे लिए खड़े भी हैं भैया अगला सवाल है फॉलोइ इज अ कर वैल्यू होती है वो किसके लिए डिफाइन होती है इज इट अ प्रोपोर्शन ऑफ क्या वो एक अनुपात है ब्लड वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाई रेड ब्लड से आयतन लेके रखती है क्या उसको हम हिमेटोक्रिट वैल्यू बोलते हैं या फिर सर आशुतोष सर एक बार आपकी जरूरत है यहाँ पे एक बार बच्चों को मोटिवेट करिए कि आज से 9 बजे ये पसीना ऐसे ही नहीं बहेगा रोज पसीना बहेगा खुद तक बहेगा लेकिन अगर रोज यहाँ पे बच्चों को होना पड़ेगा बिल्कुल देखो यार आ, मैंने सर से बोला कि सर मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि आपका लेक्चर दो चार मिनट बोले नहीं सर मैं एकदम मौजूद रहता हूँ अक्षय सर का लेक्चर उधर नौ पाँच नौ दस हो जाता है तो मैंने कहा आज आप स्टार्ट करिए और हम लोग बात करेंगे बेटा मैं तभी मेरे दोस्त मेरे भाई आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि सर कल से नौ बज के एक मिनट या नौ बजे आपके सामने रहेंगे ठीक है ना बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा जैसे ये सौ लोग हो ना साइंस का ये लेवल आप पूरे यूट्यूब पर चेक करना नहीं मिलेगा छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ा करके कि आर को क्या कहते हैं या कोशिका की खोज किसने की आपके आंसर आते हैं आप लोग ताली बजा सकते हो लेकिन जब रियल पेपर का सामना होगा ना और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बस ये लगता है कि छोड़ो यार ये तो छोड़ने के लिए आए नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई ठीक है ना तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सर से अच्छा साइंस कोई नहीं देख रहा है पूरी मतलब आ, नहीं पढ़ा रहा है मेरा, मेरा यह व्यक्तिगत विश्वास है क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे खुद फैकल्टी हूँ तो मैं चेक करता रहता हूँ ना कि किस चैनल पे क्या कैसा चल रहा है सभी लोग निसंदेह मेहनत कर रहे हैं लेकिन मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ कि मेरी टीम में सबसे अच्छा साइंस फैकल्टी है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यार प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर के साथ जुड़ा करो वो सिर्फ उतना नहीं कि दो लोग चार लोग आप लोग जुड़िए ठीक है ना तो बस ये बात है ना यार मतलब जिस लेवल पे ये क्लास चल रही है मुझे नहीं लगता ये सौ लोगों के लिए डिजर्व कर रही है यार दिल से, से शेयर किया करो आप कई जगह पे हो शेयर करो और सर के साथ जुड़े रहो आप कुछ कहेंगे अक्षय सर बिल्कुल बिल्कुल देखो भाई एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर मैं यूट्यूब यूट्यूब की मैं बात करूँ या एजुकेशन इंडस्ट्री की मैं बात करूँ आ, सर से अच्छी मैं इस बात को यहाँ पे आ, ऐसा नहीं कि सभी पढ़ा रहे हैं सभी अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन YouTube पे थर्टी छत्तीस घंटे नॉन स्टॉप बिना पी, -पी के सर ने पढ़ाया तो आप सर की नॉलेज पे आप क्या क्या, क्या? मेरे पास शब्द नहीं सर की नॉलेज को बयां करने के लिए बिल्कुल मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं एसएससी के रेलवे के लिए या यूपीएसआई के लिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ पर साइंस पूछी जाती है अगर आपने सर का ये सेशन भी कायदे से फॉलो कर लिया तो मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन बच्चे यहां से बाहर नहीं जाएगा ठीक है तो बस अब करना क्या है एक बार बिल्कुल कहते ना खींच के सेशन को लाइक एंड शेयर करो और सर के साथ जुड़ो और प्रैक्टिस करो यार रेगुलर तो थैंक यू सो मच यार और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं उसके लिए थैंक यू लेकिन मैं चाहूँगा कि जब हर सब्जेक्ट बेटा एवरेज होता है ना तो कंपटीशन में सेलेक्शन होता है तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको इसमें क्या करना है आ, एवरेज सभी में परफॉर्म करना है मतलब सिर्फ मैथ में टॉपर हो जाओ या सिर्फ जीएस में हो जाओ काम नहीं चलेगा मतलब जितने रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो आपको आने चाहिए तो सभी सेशन को बराबरी से देखना पड़ेगा और मैं वादा करता हूं सर की तरफ से कि सर बहुत रेगुलर मैनर में आपके क्लास को स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ लेकर चलेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हौसला अफजाई किया सर ने हमारा भी और आप सबका भी तो रोज़ाना बच्चों ऐसे ही सुबह भी सुबह के सारे शोज़ में भी और रात के सारे शोज़ में भी चाहे वो साइंस की हो रीज़निंग की हो जीएस की हो मैथ्स की हो अपनी सिलेक्शन इस बार कंफर्म करवा लेनी है अगर टीचर्स सुबह मतलब सुबह छः सात बजे से अगर उठ के अपने घरों से निकल जा रहे हैं और रात के दस बजे जहाँ आप अपने बिछावन पर हो शायद खाना पीना खा रहे हो उसके बावजूद भी यहाँ पर बैठ के इस तरीके से मतलब आपके लिए अगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो लगाव आपसे भी होगा मेरा कुछ तो प्यार आपसे भी होगा मैं भी तो चाहता हूँ नाराज भी, ना भी, कभी -कभी भी हो जाता हूं पिछले ही दिन मैंने बस ऐसे ही पंद्रह सवाल करा के मैंने बस रख दिया कि नहीं यार नहीं पढ़ाना अब अगर तुम लोगों में इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का तो मैं इतना क्यों करूं लेकिन कभी कभी जब मैं यूट्यूब के कुछ शोज को देखता हूं मैं एज अ स्टूडेंट मैं कह रहा हूं आप मेरी साइंस की मैराथन उठा के देख लो 24 घंटे वाली या 36 घंटे वाली उठा के देख लो आप निकालिए उसमें से डिमेरिट मैं तैयार हूं उस, उसे एक्सेप्ट करने के लिए लेकिन व्हेन आई व्यू अदर वीडियोस कभी कभार मैं किसी की बड़ाई या किसी अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूं मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि क्या बच्चे को सिलेक्शन मिल रहा है सिर्फ हाथ बजाने से तीन हजार लाइक और लगातार लाइव रहने से अगर काम हो जाता तो यार क्या वो वो चैनल के सारे बच्चे वहीं नहीं जाते फिर छोटी छोटी भी भीड़ हर जगह क्यों मौजूद है हकीकत है कि किसी की वाक पटुता किसी के बा, बातों में इतना वो लसलसापन होता है कि कुछ भीड़ चली जाती है और जहां मटेरियल आपकी एग्जाम सेंटर्ड मिलती है उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं होता यही काम कर बढ़ा जाता है तो इसको थोड़ा सा ना मेंटेन करिए और तो हैं तो किसे कहते है? वो आयतन जो कि हमारे ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर आया है, तो ब्लड के बारे में थोड़ी सी सर्जरी कर लेते हैं ब्लड के अंदर पचपन प्लाज्मा पैतालीस प्रतिशत आरबीसी पैंतालीस प्रतिशत आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पसल व्हाइट ब्लड कॉर्पसल और Uh, आपकी प्लेटलेट्स जिसे हम बिंबाणु यानी थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं प्लाज्मा के 55 प्रतिशत में बानवे प्रतिशत पानी और 8 प्रतिशत ऑर्गेनिक मैटर 8 प्रतिशत ऑर्गेनिक मैटर में 7 से 8 प्रतिशत ऑर्गेनिक होता है एक से दो परसेंट इनऑर्गेनिक होता है उस 7 से 8 परसेंट ऑर्गेनिक में एल्ब्यूमिन ग्लोब्योलिन प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रीनोजन ये चार प्रोटीन्स होती हैं उस प्लाज्मा में से इन चारों प्रोटीन को निकाल दो तो सीरम कहलाता है एंटीजन और एंटीबॉडी के स्टडी को अग्लुटिनेशन कहते हैं लेकिन उन दोनों के रिएक्शन के स्टडी को सरोलॉजी कहते हैं बहुत सारी बातें हैं बच्चों एक एक करके इसका सही जवाब की तरफ आते हैं क्या होगा सही जवाब और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है इट इज द

लिम्फोसाइट्स जो कि हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बनाए रखते हैं और वहीं अगर हम बात करें थ्रोम्बोसाइट्स को तो थ्रोम्बोसाइट्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि थ्रोमोसाइट्स क्या निकालते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालते हैं क्योंकि वही थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चल के एंजाइम बनाएगी जो कि आगे ब्लड क्लॉटिंग में हमें सप, आ, सपोर्ट करेगी तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मैग्नोलिया फाइटा अभी तक पढ़ा था स्पर्मेटोफाइट्स एम्ब्रायोफाइट्स सीडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स थैलोफाइट्स आज मुझे बताइए मैग्नोलियोफाइटा किसे कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज मैग्नोलियोफाइटा ए बी सी और डी इज इट जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स मतलब अनावृत बीजी उस बीज के ऊपर जिस पे आवृत नहीं होती उसे हम अनावृत बीजी कहते हैं

बजे जाना इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर आवृत बीजियों को मैग्नोलियो कहते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन वॉज रिकॉग्नाइज बाई जापानीज साइंटिस्ट जापानी वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा पुष्प पादप हार्मोन पहचाना गया था सबसे पहले पादप हार्मोन जापानी वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा पहचाना गया था क्या वो ऑक्सिन था जिबरेलिन था साइटोकिन था एफसीसिक एसिड था या फिर एक कौन होता है इथाइलिन होता है इथाइलिन एकमात्र एक ऐसा गैसियस हार्मोन होता है जो कि फलों को पकाने में ये जिम्मेदार होता है बाकी ऑक्सिन को देखो तो फोटोनिक मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है प्रकाश जिस तरफ हो उस तरफ चली जाएगी वो जिबरेलिन क्या करती है एजिंग क्या करती है? और ड्रुप्स का जड़ना स्टेम का टूटना ये सारी चीजें यहां पूछा कि जापानी द्वारा मैंने यहां पर पांच हॉर्मोन्स के फंक्शन भी बता दिए आपको अगर आपने मेरे अल्फाजों पर ध्यान दिया होगा तो जापानी वैज्ञानिक जिन्होंने ग्रोथ हार्मोन को सबसे पहले पहुंच, पहचाना था वो जिब्बरेलिन था ऑक्सिन था एसिड या साइटोकिनिन और इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर बी पे जिब्बरेलिन ने जिब्बरेलिन वही चीज है जो एजिंग को रोकता है किसको रोकता है एजिंग यानी सेनेसेंस को रोकता है डालियों का टूटना पुष्पों का मुरझाना इन सारी चीजों को रोकता है अगर आपने कभी देखा होगा सब्जी वालों के पास अगर आप जाते हो तो सब्जियों के ऊपर उनके यहाँ के जो सब्जी होते हैं वो कई तरह ताजा दिखते हैं और आप सब्जी को लेकर भिंडी घर आते ही टेढ़ी हो जाती है सुबह और टेढ़ी हो जाती है आखिर वजह क्या था कि उसके पानी में मिला हुआ था जिब्बरिन आपके पानी में ना मिला हुआ था जिब्बरे और सबसे पहले इसको खोजा जापानी वैज्ञानिकों ने था अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजे फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन वॉज डेवलप्ड इट कॉल्ड वेरियोला वायरस बताइए इनमें से कौन सी बीमारियों के लिए सबसे पहला टीकाकरण चालू किया गया और वो वेरियोला वायरस के द्वारा होता भी है ये हिंट दे दिया गया क्या वह काउपॉक्स है चिकन पॉक्स है स्मॉल पॉक्स है या पोलियो बताइए ए बी सी और डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नवीन चौधरी स्वप्ना चित्याला जल्दी से बताइए मीनू सांगवान आप सभी का होना

अगर हमें आ, क्या कहते हैं मोलस्क स्नेल्स घेंगा इन सबसे अगर होता तो मैलैकोलॉजी कहलाता अगर इंसेक्ट से होता तो एंटोमोफिली कहलाता अगर विंड से होता तो एनीमोफीली कहलाता अगर विंड से होता तो क्या कहलाता इट वुड बी कॉल्ड एनीमोफीली अगर आ, कि, आ, इंसेक्ट से होता तो क्या कहलाता एंटोमोफिली एंटोमोफिली बर्ड से है तो ऑर्निथोफिली कहलाया अगर वाटर से होता तो हाइड्रोफिली कहलाता कहला तो जैसे जिसके जो एजेंट थे ढंग से पढ़िएगा पिट्रियास नहीं है इट इज कॉल्डिस पी आई इज साइलेंट टेक्स कैपीलिटाईज द मोस्ट कॉमन नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इसको हम किस नाम से आम तौर पे जानते हैं इज इट ट्यूलिप फिंगर्स इज इट ड्रोल्डनेस या फिर चौथा एक्जिमा एक्जिमा में स्किन के स्किन फट जाते हैं आउटर एपिथेलियल टिश्यू फट जाती है स्किन से ब्लड जो होती है बाहर उज आउट करने लगती है बताइए कि टिरियासिस सिंप्लेक्स कैपिलिटाई अगर हो जाती है तो आप किससे पीड़ित हैं ट्यूलिप फिंगर्स है ट्यूलिप फिंगर्स का मतलब होता है हाथों का वैसा हो जाना वैसे मुझे करना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसे हो जाना ऐसे टेढ़े से हो जाना दैट इज कॉल्ड ट्यूलिप फिंगर्स ठीक है दिस इज कॉल्ड ट्यूलिप फिंगर्स लेकिन नॉर्मली ऐसे होते हैं ट्यूलिप फिंगर्स के बाद डैंड्रफ आपको पता है बोल्डनेस मतलब पूरा टकला हो जाना वैसे मैं टकला तो हूं नहीं चौथा एक्जिमा एक्जिमा में होता क्या है एक्जिमा में आउटर पिथिले टिश्यू क्या होती है फट जाती है एंड ब्लड उज आउट करती है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डैंड्रफ तो डैंड्रफ होता है जब आपके बालों में टीरियासम्पलेक्स कैपिलिटाई लग जाती है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कंसीडर द फॉलोइंग तीन बयान आपको दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से सही क्या है which among the above calcium related abnormalities are related to endocrine system कहता है कि कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो अंतःस्रावी तंत्र में निम्नलिखित तीन दिए गए बीमारियों में से कौन सा मिलता जुलता है अगर अंतःस्रावी तंत्र में कैल्शियम की कमी हो जाए तो अंतःस्रावी तंत्र में कैल्शियम की कमी हो जाने से कौन सा विकार से हम ग्रसित हो सकते हैं इज इट हाइपर हाइपर या हाइपो ए बी सी में से आपको जवाब देना है इज इट One and two is it, only one is it? one and three Yafir is uh, all of them is the correct answer. हेमंत कैपिटिस इज नॉट बाल्डनेस बट टीनिया करेक्ट आंसर हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा और हाइपो कैल्शियमिया हो जाएगा जब बोल दिया कि कैल्शियम से रिलेटेड जब बोल दिया कैल्शियम रिलेटेड तो कैल्शियम रिलेटेड कैल्शियम से बढ़ा भी हो सकता है घटा भी हो सकता है लेकिन हाइपर कैल्सियूरिया दस गुना भी है हजार गुना भी है पांच सौ गुना भी है ढाई सौ गुना भी है एलिटैम सुक्रो सैकरिनट बहुत सारे ऐसे स्वीटनिंग एजेंट होते हैं जो किसी भी पदार्थ को मिठास पैदा मिठास पटना करते हैं सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी एंड देयरफॉर इट इज नॉन कैलोरिक कहता है कि इनमें से ऐसा कौन सा मीठा

इज इजी ब्रोकन अप लेकिन अगर हम डायरेक्ट सुक्रलोज को यूज करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों से गलती हो रही है बेटा अपनी गलतियों को सुधारें और आगे बढ़ते चले अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी न्यूट्रिय ऑफ प्लांट्स प्राथमिक पोषक तत्व पौधों के लिए कौन नहीं है मैग्नेशियम फॉस्फोरस नाइट्रोजन या फिर पोटेशियम ए बी सी और डी तड़ से बताइए सो so, अपना नवीन चित सुहानी मीनू अनिल कुमार शीतल महंत देख रहे हैं देख रहे हैं ना आप सवाल में कुछ ऐसे भी सवाल है जिसके जवाब आपको नहीं पता लेकिन फिर भी साइंस के क्लास अटेंड नहीं करेंगे क्यों अरे यार बेइज्जती हो जाती है सर तो अगर नहीं बताओ तो कह देते कि यार तेरे से नहीं हो रहा तू तो नहीं कर पाएगा मैं तुम्हें हिम्मत दिलाता हूं कि आज अगर तुम्हें लगता है कि पैर लड़खड़ा रहे हैं तो कल नहीं लड़खड़ाओगे आज ही लड़खड़ाओगे ना कल आपको अंदाजा होगा कि किस जगह पर पैर लड़खड़ा रहा था अंडरस्टैंडिंग तो इट इज द प्रैक्टिस दैट मेक्स द मैन परफेक्ट वन डे इज नेवर ने मेक द डिफरेंस एक दिन से कभी कुछ नहीं उखड़ने वाला भाई विच ऑफ द प्लांट इज नॉट अ प्राइमरी न्यूट्रिय कौन पोषक तत्व नहीं है भैया फिर से सही जवाब ऑप्शन नंबर ज नॉट अ प्राइमरी न्यूट्रिय प्राइमरी न्यूट्रिय कौन नहीं है बिल्कुल सही जवाब आराधना करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी मैग्नेशियम जो है वह प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है सुप्रिया साहू का जवाब गलत है हरीश का जवाब गलत है मीनू सांगवान सही है संपत गोट सही है व्रिकी बोई सही है स्वप्न सही है निहारिका सही है ज्योति सही है सूर्यकांत राउट बेटर नाइट्रोजन गलत नवीन चौधरी नाइट्रोजन गलत बेटा ये सब प्राथमिक हैं नॉट नहीं प्राथमिक है एनपी के नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस वो तो चाहिए एनपी के तो प्राइमरी है भाई अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड टू अदर थ्री एनिमल्स कहता है कि मोस्ट डिस्टेंटली मतलब काफी दूर से उनका रिश्ता है तीन दिया है वॉल लायन सील और स्पर्मवेल कहता है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो एक दूसरे से काफी दूर रिलेशन रखते हैं इनमें से चारों में से अलग कौन दिख रहा है आपको वॉल्ड्रस लायन सी लायन या फिर स्पर्मवेल ए बी सी या डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बाई जल्दी 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 क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स नौ बज के अड़तालीस मिनट हो चुके हैं और देखिए है, हम एकदम टाइम पे और बेटा मुझे उम्मीद है कल से नौ बजे आप सबकी प्रेजेंस दिखेगी और ये तादाद इतने पे नहीं रुकनी चाहिए कल तो दोहरा शतक लगना चाहिए कल दोहरा शतक लगना चाहिए तैयार करके आना चलो मैं आपको टॉपिक बताता हूं आज टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और रोज ना एट द एंड ऑफ द क्लास टॉपिक पूछेंगे और उसी टॉपिक पे टॉपिक पूछना नहीं चलो मैं टॉपिक बताऊंगा और टॉपिक प्रिपेयर करके आना मैं सवाल लूंगा बोलो मंजूर है बोलो मंजूर है हाँ तो पूरा 117 लोग हैं ना तो 117 सौ हाँ दिखना चाहिए कि हाँ सर तैयार है टॉपिक मैं बोलूंगा सीजीएल देने वाले हो रेलवे के एग्जामिनेशन देने दे वाले हो जो भी एग्जाम देने दे वाले हो तो टॉपिक लो ना और सवाल प्रिपेयर करो सुबह से लेकर शाम तक का टाइम है शाम को आके मिलते हैं होगा ओपन वॉर देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं मिलता एकदम प्रैक्टिस करेंगे अरे भाई कल से भी अगर कर लेते हैं तो थर्टी इंटू थर्टी नौ सो सवाल

कसावा अनियन गाजर कसावा प्याज और नागदौन एस्परेगस इन चारों में इन चारों में रूट वेजिटेबल्स कौन है जिनमें जड़ें होती हैं ए, बी, सी या डी? चलो भाई जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताइए जल्दी बताइए क्या होगा टॉपिक बताऊंगा और कल वैसे टेस्ट होगा भाई टॉपिक आज बता के जाऊंगा कल टॉपिक लेवल टेस्ट होगा कंसीडर फॉलोइंग कैरेट कसावा और अनियन ऑफ देम आर रूट वेजिटेबल्स किन में जड़े होती हैं ए बी सी या डी बेटा आप पढ़ाएंगे बेटा मैं आपको क्वेश्चन के आगे पढ़ाऊंगा भी और क्वेश्चन के बाद उसका डिस्कशन भी कराऊंगा टॉपिक बोल दूंगा मैं जाते वक्त टॉपिक बोल दूंगा फॉलोइंग कैरेट कसावा अनियन आसपारेगस जल्दी बताइए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वन टू एंड थ्री कैरेट कसावा अनियन ये जड़ वाले हैं इसके अलावा आसपारेगस नहीं है जड़ वाला वेजिटेबल सही जवाब इज ऑप्शन नंबर सी हेमंत राइट आंसर प्रजापति के राइट आंसर

प्रिपेयर करो बच्चों, बताओ क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली बट नॉट इन आर एन ए बी सी और डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट भैया जल्दी बताइए एकदम आग लग जाना चाहिए कमेंट्स में आखिर स्माइली में इतनी जब कंपनीज दे रखी है आग भालू डिसलाइक लाइक थम्स मुक्का बम गोला बारूद इस्तेमाल करो कम से कम चैट बॉक्स ना कल से रंगीन दिखना चाहिए हा ना नहीं ऑप्शंस के अलावा चैट बॉक्स रंगीन दिखना चाहिए लोगों को पता तो चले कि हाँ भाई साइंस पढ़ा जा रहा है, है ना तो देखो दो ग्रुप्स होती है प्यूरिन और पायरिमिडिन साइटोसिन गुआनिन गुआनिन साइटोसिन और था और एक होता है एडीनाइन गुआनिन साइटोसिन और यूरासिल तो होता है बेटा डीएनए और यूरासिल होता है हमारा आरएनए तो इनमें से पूछेगा कि कौन सा सही जवाब है तो बेटा सही जवाब इज ऑप्शन तो नंबर ए एन तो कौन सा नाइट्रोजिनस प्रेजेंट डीएनए में प्रेजेंट तो है तो इज प्रेजेंट इन डीएनए और यूरासिल किस में प्रेजेंट होता है आरएनए में तो थान डीएनए में प्रेजेंट है लेकिन आरएनए में नहीं और यूरासिल आर में प्रेजेंट है लेकिन डीएनए में नहीं ध्यान रखिएगा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू जीका वायरस एक ऐसा वायरस है जो मानवों में फैलाया जा सकता है किसके द्वारा मस्क्यूटो बकरा बत्तख या फिर बैट को देखो लिख दिया धड़कता बैट मतलब हो गया चमगादड़ बताइए क्या होगा सही जवाब किसके द्वारा किसके द्वारा अगर हमें जीका वायरस फैलाना है तो हम फैला पाएंगे बेटा जीका वायरस फैलाने का बस एक ही तरीका है और वो है फीमेल एडीज एजिप्टी मस्क्यूटो उसका नाम क्या है महिला एडीज एडीई एस एडीज इजिप्टी ई जी वाई जी वाई पी टी एडीज एजिप्टी थोड़ा लिख दिए हैं एकदम खतरनाक लैंग्वेज में फीमेल ए ई डी ई एस एडीज ई जी ए ई ई ए जी वाई पी टी आई

अल्फा बीटा बीटा सलफ आइलेट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगर हैंड क्या करती है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है बोलता है प्रिवेंटिंग ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग और आर देखते हैं कौन कौन सा सही जवाब है प्रिवेंटिंग ऑब्जॉर्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड प्रिवेंट क्यों करेगा वो तो बदलेगा तो पहला तो गलत है

सूर्यवंशी का दिख रहा और बाकी लोगों को मुझे ना दिख रहा बेटा सही जवाब आज के सवाल का क्या था सही जवाब इस नंबर पित्त में पाए जाने वाले जो पित्त के लवण होते हैं बाइल होते हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट ये तीनों मिलकर तोड़ते काम था इसका काम नहीं था तो ये सही था फैसिलिटेशन ऑफ स्टोरिंग ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हम अपने लीवर मसल्स और मांसपेशियों में स्टोर करते हैं लीवर की कोशिकाओं और मांसपेशियों में और पहला ऑप्शन ये तो गलत ही था तो चलिए आज के तीस सवाल थे और कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं कल का टॉपिक क्या रखता हूं बोलो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रखना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाना है क्या पढ़ाना है सर डबल वैलिडिटी जाने वाली है सर प्लीज हेल्प सर उड़ान एट बैच इंग्लिश कैसे ले पेमेंट ऑप्शन भी बता दीजिए कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा आप भी बता दे रहे कहा टेंशन ले रहे हो देखो हम तुमको बता रहे हैं कंप्लीट साइंस पढ़ने का कहां से मौका है कंप्लीट साइंस या फिर कहीं भी इंग्लिश विंग्लिश कुछ भी पढ़ना है आपको मैं आपको बता दू सीधे जाइए आप भाई अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के साइट पे या आपके पास मोबाइल में ऐप होगा ही वहां जाने के बाद आपको क्या लेना था उड़ान बैच लेना था राइट तो वहां जाके आपको करना क्या है यू डी ए एन उड़ान बैच की तरफ आप चले जाना भाई उड़ान इंग्लिश देखो टारगेट न्यू बैच आ चुका है अब इस उड़ान बैच की तरफ जाइए फोर थ्री डबल नाइन का है ना आप व्यू ऑफर पे जाइएगा देखो अभी कितना फोर थ्री डबल नाइन का एंटर कूपन कोड आप डायरेक्ट लगा दीजिए वाई डबल टू थ्री वाई दो सो तेईस वाई दो सो तेईस लगाइए अप्लाई कीजिए देखिए ये बैच कितने में आ जाएगा आपको अभी कूपन अप्लाई हो रहा है अप्लाई हो गया चार हजार तीन सौ निन्यानवे का बैच मात्र हजार रुपए में तो वन जीरो वन वन में आपको मिल जाएगा यह बैच संतोष सर का है बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं हमारे वेस्ट बंगाल से ही है और बहुत तगड़ा आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं ये आप ये कूपन कोड लगा के मस्त ले सकते हो बेटा आप सभी को बता दूं जो मेरे से साइंस पढ़ना चाहता है बेटा महापैक ले लो और छुट्टी करो बारह महीने की वैलिडिटी नहीं चौबीस महीने की वैलिडिटी मिल रही है डबल वैलिडिटी है तो आपको एक तो डबल वैलिडिटी भी मिल रही है उसके बाद जो भी बैचेस आपको अगर मेरी इंडिविजुअल पढ़नी है तो बेटा कंप्लीट साइंस आजकल एक जगह चल रही है उच्च लेवल पे उच्च स्तरीय लेवल पे तो उच्च स्तरीय लेवल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा टीचिंग में डी ट्रिपल एस बी में देखिए यहां पे एक बात चल रहा है ये दिख रहा रहा दिख है तो यहां कंप्लीट साइंस चल रहा है ये आपकी टू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक पढ़ाया जाता है इसमें तो ये सारी जो है बैच चल रही है ये पांच जुलाई से ही स्टार्ट हुई है ये भी चल रही है आपको जहां से ही पढ़ना है अभी बहुत सारे बैचेस आएंगे बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं डिफेंस के लिए देखिएगा तो डिफेंस में मेरी बैचेस चल रही है जैसे अभी आफकेट की बैच चल रही है एफकेट में मैं अभी एफकेट की पूरी तैयारी कर रहा हूं सीएपीएफ की बैचेस चल रही है यूपीएससी ईपीएफओ की अगर आप देखोगे यूपीएससी की अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ईपीएफओ में आपको मैं दिखा रहा हूं यूपीएससी ईपीएफओ की बैच है जो कि कल से उसकी पेड बैच स्टार्ट हो रही है कल ही उसका पहला क्लास है तो कल उसके पहले क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं देखो क्रैश कोर्स मैं यहां पर दिख रहा है तो क्रैश कोर्स मैं आपके साथ पढ़ाने वाला हूं तो आप अड्डा पे अगर अड्डा का महापैक ले लेते हो SSC का पैक ले लेते हो तो बचता क्या है आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा और रही बात मेरी तो मैं कह रहा हूं ना कल से लग जाओ सारे शो में सर साइंस का मैराथन चाहिए एक बार फिर और देखो मैं शनिवार आपके लिए जुड़ता हूं कि नहीं चौबीस घंटे के मैराथन के लिए जहां फ्री में आपको सब कुछ मिलेगा वो जो एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड होता है वो फालतू कहीं मत जाइए कहीं मत जाइए मैं कहता हूं ना रोजाना आपके लिए मैं रुका रहूंगा मैं भले ही रात बारह बजे पहुंचूंगा अपने घर कोई जरूरत नहीं लेकिन आपको यहां रुके रहना है अपने साइंस के तीस सवालों का कंप्लीट ब्यौरा लेके जाना है मैं नहीं चाहता कि कल के दिन में एग्जामिनेशन पेपर के बाद आपके मुंह से यह निकले कि सर यह छूट गया सर किया था सर एकदम लास्ट मोमेंट में नहीं आया मैं वो नहीं सुनूंगा आज जितनी हाई तोबा करना है कर लो कल बस जश्न होना चाहिए इसी के साथ मैं अहमद सिंह फैकल्टी ऑफ साइंस आप सभी से विदा लेता हूं कल सुबह फिर इसी जोश के साथ फिर से मिलूंगा डेट ट्वेंटी फोर सेवन के अलग अलग वर्टिकल स्पेस साइंस के अलग अलग और खास बातों के साथ जय हिंद जय भारत